नमस्ते दोस्तों, केम छो मजामा। मैं संजय न्यू टेरिस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अगेव प्लांट के बारे में जानकारी दूंगा कि इसके जो पॉप्स निकलते हैं छोटे छोटे, उसको सेफली कैसे अलग करें, और इसके क्या टिप्स बताऊँगा। इसके सॉइल मिक्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा आपको कि इस प्लांट को किस तरह से लगाए। बहुत ही खूबसूरत प्लांट आता है, और एक प्लांट आप लेके आओगे अपने गार्डन में तो साल भर में आपके पास एक से अनेक हो जाएंगे। बहुत ही इजी टू ग्रोइंग प्लांट है, और ये प्लांट अपने आप में नए नए प्लांट बनाता रहता है। तो देखिए, इसके छोटे छोटे बेबी पॉप्स आते हैं, और ये वाली वेराइटी में बहुत सारे कांटे होते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे निकले हैं, तो बिना हाथ में कांटे लगे फूल निकले, कैसे हम इसको अलग करें और किस तरह सेपरेट बनाए। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है ये, फुल सनलाइट में आप रख दो तो भी ये चल जाएगा। आप कैसे भी मिट्टी में लगाओ, कैसे भी मिट्टी हो, चिकनी हो, कोई भी मिट्टी हो, तो ये प्लांट चल जाता है, और दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। आप टेरिस की दीवार पे पूरे एक एक लाइन में लगा दोगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। देखिए ये वाली वेराइटी में ज़्यादा कांटे नहीं आते, एक ही आता है, और इसमें ज़्यादा आते हैं। ये देखिए, इसमें भी एक ही पूरे नोक पे एक आता है, पर इसकी पूरी पत्तियों पे। पर ये देखने में बहुत खूबसूरत दिखता है। तो आज ऐसे ये सब में देखिए कितने अलग अलग किए हैं। तो मेरे पास और प्लांट है, उसमें बहुत सारे बेबी पॉप्स निकले हैं छोटे छोटे, उन सबको मैं अलग करने जा रहा हूँ सेपरेट। तो सेफली दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो काफ़ी सारे मुझे कमेंट भी आए थे कि सर हमारे प्लांट जो हम लगाते हैं आगे वो टेढ़ा हो जाता है, सीधा नहीं खड़ा रहता। तो ये देखिए, ये प्लांट भी ऐसा ही हुआ है। तो इसका मेन रीज़न क्या होता है मैं आपको आज बताऊंगा वीडियो में कि ये टेढ़ा क्यों हो जाता है। ये देखिए एकदम सीधा है, और धीरे धीरे फिर टेढ़ा हो जाएगा। तो इसका मेन कारण है वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। इस प्लांट का टेढ़ा होने का मेन कारण ये है, ये देखिए छोटे छोटे बेबी पॉप्स जो नीचे से निकलते रहते हैं, तो वो क्या है पूरी प्लांट की जो जड़ होती है उसमें से निकलते हैं। तो इसीलिए ये क्या है कि जैसे बाहर निकलते हैं थोड़े बड़े होते हैं तो प्लांट को झुका देते हैं। तो प्लांट हमारा जो मदर प्लांट होता है, बड़ा प्लांट, वो धीरे धीरे झुक जाता है, और जैसे जैसे बेबी पॉप बड़े होते जाते हैं प्लांट साइड में धीरे 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 करके पूरा झुक जाता है। तो देखिए इसमें रूट्स कैसे निकली है, कुछ अलग ही तरह से दिख रही है। देखिए मैं तो थोड़े दिन पहले देखा तो मैं सोचा ये क्या है, तो इसकी रूट्स देखिए कितने ऊपर तक आ गई है। तो आज इसी में से सब बेबी पॉप्स निकालूंगा और इसको अलग से सेपरेट रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। तो सोचा आपके साथ वीडियो भी शेयर कर दूँ कि इसको किस तरह निकाले और कैसी सॉइल में लगाए, क्योंकि बहुत ही मल्टीप्लाई होता रहता है प्लांट। आप एक बार अपने गार्डन में ऐड कर दोगे तो मतलब आपको कहीं से दूसरा प्लांट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक साल भर में तो ये पूरे ढेरों प्लांट आपके पास नए बना देगा ये। तो इस प्लांट को सबसे पहले निकालने के लिए तो आपको क्या करना है कि धीरे से हाथ से ऐसे पकड़ना है, ये है ना पत्तियाँ, नीचे की साइड से ऐसे पकड़नी है, ये देखिए इस तरह से, ताकि पत्ती आपकी टूटे नहीं, क्योंकि ये पत्तियाँ थोड़ा सा भी ज़्यादा मुड़ जाती है तो टूट जाती है पत्तियाँ। तो ऐसे दोनों हाथ से पकड़ के, ये देखिए इस तरह से प्लांट अगर आपका मुड़ गया है तो इस तरह पकड़ के खींच के बाहर निकाल लेना है। ये देखिए पत्तियाँ कैसे मैंने पूरी ऊपर की तरफ कर ली, वैसे कर लेना है। तो मैं दोनों हाथ से निकाल लेता हूँ, ये देखिए ये मैंने प्लांट निकाल लिया है कम्प्लीटली। देखिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करके निकाला, पूरा निकल गया। इसमें क्या होता है कि जैसे हम खींचते तो इसकी रूट्स बहुत फैल जाती है। दो तीन महीने में इसको रिपोर्ट किया, कम से कम चार महीने जितना हुआ, चार पाँच महीने, पर देखिए कितनी ज़्यादा रूट्स इसमें है, ये देख सकते हो आप। और बाल्टी देखिए, ये रे इसमें से पूरा निकल के आ गया है। तो अब इसके जो छोटे छोटे बेबी पॉप्स होते हैं इसको धीरे धीरे ऐसे करके हमें निकाल लेना है। जब थोड़ा थोड़ा आप खींचोगे तो ये निकल के आ जाते हैं। मैं इसकी ये मिट्टी है वो ज़्यादा हिला डुलाऊंगा नहीं, बस ऐसे ही रख दूंगा, क्योंकि मुझे और इसको नहीं डिस्टर्ब करना है,
इसको कुछ होता नहीं है, पर क्या ऐसे ही रख दूंगा क्योंकि ज़्यादा मिट्टी है नहीं मेरे पास, तो ऐसे ही मिट्टी में इसी में ऐसे ही रख दूंगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे पॉप्स निकाल लिए दोनों प्लांट से, कितने सारे निकले देखिए, और प्लांट भी मैंने सीधा कर दिया है। ये छोटे छोटे थे वो भी मैंने तोड़ लिए, और तोड़ के ये देखिए ऐसे अल्लाह, इससे भी छोटे थे वो भी जो भी निकल रहा था सब मैंने तोड़ के अलग से रख दिया है, और बहुत छोटे थे वो तोड़ के फेंक दिए है। ये देखिए कि बहुत ज़्यादा मेरे पास हो गए प्लांट, तो ऐसे प्लांट को एक खूबसूरत लुक देने के लिए, आकार देने के लिए ये सब निकालना पड़ता है। देखिए इतने सारे निकाले और प्लांट एकदम कम्प्लीटली सीधा हो गया। ये देखिए प्लांट को मैंने फिर से बाल्टी में लगा दिया है। अब चलिए हम इस सब प्लांट को रिपोर्ट कर देते हैं, और सॉइल मिक्स भी आपको बता देता हूँ मैंने क्या बनाई है। यहाँ पे देखिए ये मैंने छोटी छोटी ग्रो बैग बना के उसमें सॉइल मिक्स भर लिया है, जिसमें 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल है, 30% रिवर्स सैंड मिलाई और 20% खाद डाली है। ऐसे करके मैंने इसका सॉइल मिक्स बनाया है, तो इसमें हम सबको लगा देंगे। मैंने भर के रखा है, मिट्टी बहुत गिल्ली है क्योंकि हमारे यहाँ कम से कम एक हफ्ते से रोज़ बारिश होती है, तो मिट्टी सूखी नहीं है तो गिली है पूरी मिट्टी, तो ऐसे करके। और एक बात आपको बता दूं कि कभी सारे लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि उनके क्या होता है कि ये प्लांट की पत्तियां गल जाती है और सड़ जाती है, ये प्रॉब्लम आता है। तो इसका मेन कारण ये होता है कि आप जब भी प्लांट में पानी दो तो शाम के टाइम पे दो, या मतलब सुबह में दे रहे हो तो 7 बजे दो, और प्लांट की पत्तियों पर पानी मत डालो, क्योंकि पत्तियों पर पानी पड़ता है ना तो क्या होता है कि धूप पड़ती है और पानी इधर फंसा रहता है पत्तियों में, तो पानी गर्म होता है और पत्तियां फिर धीरे धीरे गल जाती है, और इसी तरह आपका प्लांट ख़राब हो जाता है। तो आप पानी दे रहे हो तो पत्तियों पे पानी मत दो, डायरेक्ट मिट्टी में पानी डालो, क्योंकि इसकी पत्तियों में पानी फंसा रहेगा तो आपका प्लांट गल जाएगा। बाकी इस प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एवरग्रीन प्लांट है। तो देखिए इस तरह मैं सारे प्लांट लगा देता हूँ। इसको क्या है कि आप धूप में रखोगे ज़्यादा फुल सनलाइट में तो भी ये प्लांट चल जाता है, बस इसकी पत्तियों का कलर एकदम डार्क ग्रीन नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा डल पड़ जाता है, बाकी ये फुल धूप में चल जाता है। और हफ्ते में आप एक बार पानी दोगे तो भी कुछ नहीं होगा, 10-15 दिन पानी इसको नहीं दोगे तो भी ये प्लांट चल जाएगा। ये देखिए ये सारे प्लांट मैंने इसमें रिपोर्ट कर दिए हैं, ये दो दो प्लांट लगा दिए एक में, और एक तो ऐसे ही पड़ा है, मैं कहीं किसी में लगा दूंगा, कोई गमला खाली पड़ा होगा तो इसमें। तो देखिए इस तरह से मैंने 6 प्लांट रिपोर्ट कर दिए हैं, ऐसे अलग अलग करके मैंने बहुत सारे प्लांट बनाए हैं। तो ये देखिए बहुत सारे ऐसे ऐसे अलग करके मैंने बनाए, ये एक है, इसमें दो है, तो आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।